हाय फ्रेंड्स, लाइफ हैप्पी एंड गुड विद शर्मिष्ठा चरण में आप सभी का स्वागत है। और उम्मीद कर रहे हैं आप सभी लोग अपने अपने घर में ही होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में भी व्यस्त होंगे। तो आज जिन लोगों ने पहली बार मेरे इस यूट्यूब चैनल में आ रहे हैं, उन सभी के लिए मेरी दिल से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं भी दिल से कह रही हूँ, मैं उन सभी के पास पहुँच जाऊँगी। और जिन लोगों ने पहले ही मेरे साथ दोस्ती कर लिया है, उन सभी को मेरे दिल की हार्दिक शुभकामनाएं। और उम्मीद है आगे भी आप सब लोग मेरे साथ ऐसे ही चलेंगे और मैं भी आप सब से जुड़ी रहूंगी। और वीडियो की शुरुआत में मैं जो ये सुंदर सी पोर्तुली का फ्लावरिंग प्लांट दिखा रही हूँ, ये मैं अभी 3 4 दिन पहले ही इसकी कटिंग ग्रो की है। देखिए कितने अच्छी तरह से ग्रो हुए हैं। और बारिश के पानी में ये सब लोग सब मेरे सभी प्लांट, सिर्फ ये नहीं, मेरे सभी प्लांट बारिश के पानी में खिल रहे हैं। देखिए सारे जगह पे छोटे छोटे फूल, हर एक तरह के फूल है, देख रहे हैं। लेकिन आज मेरी ये वीडियो इन सब फूलों के बारे में नहीं है। आज मेरी एक वीडियो हमारी घर की फेंकी हुई चीज़ है, जो उन सभी से हम इस रेनी सीजन में अपने प्लांट में कैसे काम में ला सकते हैं, इस टॉपिक पे है। इस रेनी सीजन में कुछ देर के बाद बारिश होने से हमारे प्लांट तो खिल उठते हैं, साथ ही साथ ये प्लांट में एक और प्रॉब्लम भी आ जाती है, और वो है भी हर एक तरह की इंसेक्ट्स, या फिर कह सकते हैं मिलीबाग एफिड्स, इस तरह के बीमारियों से हमारे प्लांट जूझते हैं। इस समय आप लोग कोई ज़्यादा ज़्यादा परेशान ना हो, ये नेचुरल है। इस समय आपके प्लांट में हर एक तरह के मिलीबाग और इंसेक्ट्स आ सकते हैं, लेकिन आप आपके घरेलू उपाय से ये सभी प्लांट के लिए एक पेस्टिसाइड और साथ ही साथ ये एक बूस्टर, प्लांट का जो प्लांट को जो हम जो फर्टिलाइजर देते हैं, वो फर्टिलाइजर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेशली इस रेनी सीजन में हम साल के और भी समय है वह तब भी ये फर्टिलाइजर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बारिश के समय में हमारे प्लांट में जो प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम इस तरह के पानी से बहुत अच्छे तरह से चले जाता है। तो दोस्तों हम देखाते हैं कि वो क्या है। ये देखिए हम लोगों ने हमने क्या किया, ये जो ऑनियन है, ये ऑनियन का फेंका हुआ चीज़, इसे हम कभी भी काम में नहीं ला सकते, देख रहे हैं। और ये जो देख रहे हैं, ये है लहसुन का फेंका हुआ। ये हम जो जब कुकिंग करते हैं तो कुछ चीज़ें जो फेंक देते हैं, वो हमारे कभी भी हमारे काम नहीं लग सकते। और वो देखिए वो पा यह है ये ऑनियन पील, और ये गार्लिक, कुछ कुछ गार्लिक के भी देखिए, गार्लिक के भी छिलके हैं। और देख रहे हैं देखिए कुछ अदरक जो हम चाय पत्ती में और सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं, वो अदरक का छिलका भी है। आप लोग ये ऑनियन, गार्लिक, अदरक और जो हम लोग खाते हैं ना मिर्च, वो मिर्च का भी जो इस बारिश में कुछ कुछ मिर्च भी आप लोगों की तरह सड़ जाता है, वो हम यह देख नहीं पा रहे हैं, वो भी है, उसे भी आप इसमें 24 घंटे, 48 घंटे भिगा दीजिए। और उसके बाद ये जो पानी निकलेगा, ये पानी आपके प्लांट के लिए एक औषधि है। ये प्लांट को बीमारी से भी, सभी तरह के बीमारी से भी आपके प्लांट को बचाएगा,
और उसके साथ साथ ये जो पानी है ये पानी से आपके प्लांट में न्यूट्रिशन भी होगा। आप यू या जो गार्डनर है और जो गार्डनिंग से रिलेटेड है उन उन सभी के लिए ये पुरानी बात है कि ऑनियन पील फर्टिलाइज़र, ये ऑनियन पील फर्टिलाइज़र बहुत ही फायदेमंद है आप सभी के प्लांट के लिए। आप इसे ऑनियन, गार्लिक, लहसुन और जो मिर्च है इन चीज़ों को पानी में भिगो दीजिए। 48 घंटे के लिए भिगो दीजिए, 2 दिन के लिए आप लोग भिगो दीजिए। उसके बाद ये जो पानी है ये पानी आप बारिश के समय, बारिश सारे सीजन में ही आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बारिश के समय ये जो पानी है ये पानी बहुत 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 फायदेमंद है आप सभी के प्लांट के लिए। ये पानी जो हमने देखी है यही पाला पानी यहाँ पे छान के रखा है और इसे मैं स्प्रे बॉटल में भी रखी हुई है। देखिए ये जो स्प्रे बॉटल है इसमें भी मैं ये पानी लूंगी और इसके बाद इसे मेरे सारे प्लांट में मैं स्प्रे कर दूंगी। इससे क्या होगा आपके प्लांट में जो छोटे छोटे प्रॉब्लम है लगातार बारिश में आपके प्लांट में जो जो इन्फेक्ट्स और एफिड्स लग रहे हैं इन सभी से आपके प्लांट जूझ पाएंगे। और इसके साथ ही ये जो ऑनियन पील फर्टिलाइज़र है ये एज ए फर्टिलाइज़र भी आपके प्लांट को बहुत हेल्प करेगा। इसीलिए दोस्तों आप कभी भी अपने घर के और या ज़्यादातर किचन से निकले हुए चीज़ को फेंकिए मत, इसे आप फर्टिलाइज़र बना के और इस तरह से हर एक तरह के पेस्टिसाइड भी इन चीज़ों से बन सकता है, इसके वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके प्लांट में पोषक तत्व भी मिलेगा और आपके प्लांट हर एक तरह के बीमारी से भी जूझ पाएगा। तो उम्मीद है आप सभी को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 लाइक करना और कमेंट करना मत भूलना। और अगर कोई कोई चीज़ आपको जाननी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी करना। और दोस्तों मैं दिल से रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज़ हमेशा वीडियो को 3 मिनट तक देखना और उसके बाद ही कमेंट करना प्लीज़।